गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, एकदम वॉइस सही आ रही है। मैं वॉइस चेक कर रहा था अपनी, आ रही कि नहीं आ रही है, तो उस हिसाब से आगे चलते। तो आज आपका करंट अफेयर में मई महीने का पार्ट वन, उसके बाद पार्ट टू, हो सकता है बीच में थोड़ा बहुत बफर करे। उसका रीजन है टेक्निकल प्रॉब्लम इस एरिया में मेरे, जहाँ पे कुछ ना कुछ कभी ना कभी होता रहता है। तो आप लोग हल्का सा वीडियो को पीछे रखते हैं ताकि आपको आराम रहे। ठीक, वॉइस एकदम क्लियर आ रही होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगर आप लोग यूपीएससी या यूपीपीसीएस का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना चाहिए, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, अगर मैं आपसे पूछूं और आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रेसिडेंट कौन होता है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका प्रेसिडेंट और चेयरमैन कौन होता है? अगर आप इसको बताएंगे तो आज इस तरह की कमेंट, मतलब आपको करंट अफेयर दिखाई देंगे, जहां ना सिर्फ करंट अफेयर रहेगा बल्कि जीएस साथ में चलेगी। तो मई मंथ का ये पार्ट वन है, जिसमें लगभग 26 या 27 करंट अफेयर है, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ वो पोर्शन चलेगा जो आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, वो कौन सी संस्था है जिसे 3 बार नोबेल का पीस प्राइज मिल गया, वो कौन सा व्यक्ति जिसे पहली बार नोबेल पीस प्राइज मिला। आजकल एग्जाम में फर्स्ट वाले पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट देंगे तो वहां पे लिख देंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभी हाल में रजनीकांत को दिया गया, 2019 का, 2021 में मिला। लेकिन हो सकता है दूसरा स्टेटमेंट लिख दें कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको मिला था। तो ये पहले वाले पे बहुत फोकस कर रहे हैं, उनको मतलब उनको लग रहा है कि जैसे अब वो पीछे की तरफ लौट रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जनरली ट्रेंड इस साल, मतलब अभी करंट के जो पेपर होने में यही ट्रेंड चल रहा है, एक स्टेटमेंट करंट का रखते हैं तो एक स्टेटमेंट एकदम पुराना रखते हैं, ताकि बच्चे को दोनों तरह की चीजों में फंसाया जा सके। ठीक, तो कोशिश करिए कि करंट अफेयर में आखिरी तक बने रहिए। यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूपीपीसीएस की, तो अभ्युदय का प्लेटफॉर्म आपको डेली बेसिस पे क्लासेस, अब तो ऑफलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्लासेस चल रही हैं लगातार, और इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। तो करंट अफेयर को मैं डील कर रहा हूँ, बाकी सारी क्लासेस आपको ऑन टाइम मिल ही रही होंगी। ठीक, अन्य कोई क्वेश्चन मुझसे मत पूछना कि सर टैब ऐप कब मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, उसके लिए भी शुरुआत हो चुकी है, एप्लीकेशन आपसे मंगवा लिए गए हैं, आपने सबमिट मोस्ट प्रोबली कर दिए गए हो, तक कर दिए होंगे। तो सबसे पहला कमेंट है, मतलब सबसे पहला करंट है, और हिंदी और इंग्लिश की बाधा मत बनाना कि हाँ लैंग्वेज का एक इशू बना लो कि ये हिंदी में लिखा हुआ है। कोई भी ऐसा करंट नहीं है जो बहुत ज्यादा हिंदी में लिखा हो क्लिस्ट और आपको समझ में ना आए, दोनों तरह की पीपीटी है, हिंदी भी है और कुछ जगहों पर इंग्लिश भी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या फिर रेड क्रेसेंट डे मनाते हैं हर साल 8 मई को, तो 8 मई को हम लोग वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है, इसके जो फाउंडर हैं जिनका नाम है हेनरी डुनेंट, ये वो पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल का पीस प्राइज मिला था। ठीक है, पहला नोबेल पीस प्राइज इन्हीं इन्हीं व्यक्ति को मिला था, इनका नाम है हेनरी डुनेंट। तो याद रखना, तो नाम आ सकता है। इन्होंने, ये किसके फाउंडर है? ये फाउंडर है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, रेड क्रॉस और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के अध्यक्ष। ठीक है, फाउंडर है, फाउंडर, ठीक है, फाउंडर अध्यक्ष नहीं है, तो फाउंडर संस्थापक है, इन्हें कहीं संस्थापक। अब ये जो रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है, या इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, या फिर हिंदी में बोलूंगा रेड क्रॉस और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, इसको 3 बार नोबेल का पीस प्राइज मिला है। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि वो पहला व्यक्ति जिसे व्यक्तिगत रूप से पहली बार नोबेल पीस प्राइज मिला, तो उनका नाम है हेनरी डुनेंट। किसके फाउंडर हैं? तो आप बोलेंगे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये है कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों या फील्ड में दिया जाता है, तो 6 6 फील्ड में दिया जाता है। चौथा क्वेश्चन हो गया कि नोबेल का पीस प्राइज कहाँ दिया जाता है, तो आप बोलेंगे नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, अन्य क्षेत्रों का नोबेल प्राइज कहाँ मिलता है, तो आप बोलेंगे स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक चलते हैं। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 3 बार नोबेल का पीस प्राइज मिला, तो आप बोलेंगे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसे नोबेल का पुरस्कार 3 बार मिला है। अब ये मल्टीपल स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा, तो इस प्रकार से पूछेगा कि इनमें से कौन सा कथन
इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संबंध में सही है। पहला स्टेटमेंट, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के द्वारा हर साल 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, इसको 3 बार नोबेल का पीस प्राइज मिल चुका है। तीसरा स्टेटमेंट, इसके संस्थापक का नाम हेनरी डुनेंट है। तो अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से फ्रेम हो सकता है, ठीक। तो याद रखना, इन तीनों चीजों को भूलना मत। रेड क्रॉस के अंतर्गत ये जो मैंने आपको कमेटी बताई, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, ठीक, ये याद रखना, इसको भूलना मत, ठीक। तो 3 बार प्राइज मिला, 1917 में पहली बार, 1944 में दूसरी बार, और 1963 में तीसरी बार। हेनरी डुनेंट के बारे में मैंने आपसे बोल दिया कि हेनरी डुनेंट वाज आल्सो द रिसिपिएंट ऑफ फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज, ठीक, पहले नोबेल के शांति पुरस्कार को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम है हेनरी डुनेंट। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसके द्वारा भी 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया गया, रेड क्रॉस क्रिसेंट डे या रेड क्रॉस डे या क्रिसेंट डे मनाया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में याद रखना, इट इज अ वॉलेंटरी ह्यूमेनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वॉलेंटरी है, वॉलेंटरी, ठीक, वॉलेंटरी है, ये याद रखना, भूलना मत। इसकी स्थापना 1920 में हुई। इसके अलावा इसका जो प्रेसिडेंट, इसका जो अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो भारत का राष्ट्रपति होता है, जबकि इसका चेयरमैन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होता है, याद रखना, भूलना मत, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, भूलना मत। अगला करंट अफेयर है, पूछ देगा आपसे, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रेसिडेंट कौन होता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, हूलक गिबन। ये हूलक गिबन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? पहला तो इससे संबंधित यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, स्टेट लेवल में भी इससे प्रश्न आ चुका है, लेकिन रिपीट होने की संभावना फिर भी बनी रहती है। उसका रीजन है कि अब तक कहा जाता था कि भारत में हूलक गिबन की दो प्रजातियां, दो स्पीसीज पाई जाती हैं, लेकिन हाल के अध्ययनों में कहा गया कि हूलक गिबन की भारत में सिर्फ एक प्रजाति पाई जाती है, जिसका नाम है वेस्टर्न हूलक गिबन, ठीक। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिर्फ एक प्रजाति पाई जाती है, हालिया अध्ययन में ऐसा बोला गया कि सिर्फ भारत में वेस्टर्न हूलक गिबन यह प्रजाति, स्पीसीज भारत में पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट, आईयूसीएन के अनुसार ये एंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त प्रजाति है, एंडेंजर्ड है। तीसरा स्टेटमेंट, भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग इसे शेड्यूल वन में रखा गया है। अब अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो आप फिर उड़ेंगे कि पता नहीं क्या बता रहे हैं ये। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अकॉर्डिंग 6 शेड्यूल हैं, जिसके अंतर्गत शेड्यूल नंबर वन, अनुसूची नंबर वन में इसे रखा गया है। बहुत दिमाग मत लगाना, भारत के संविधान की अनुसूची का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची से कोई संबंध नहीं है। नहीं कहा अच्छा वो अनुसूचियां शेड्यूल का तो 12 था, ये क्या 6 बता रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसके अनुसार 6 टोटल शेड्यूल हैं, इसके अंतर्गत, 6 शेड्यूल के अंतर्गत हूलक गिबन को शेड्यूल वन में रखा गया है। का मतलब है इसके किसी भी प्रकार से अगर आप इसके हैबिटाट या इसको नुकसान पहुंचाओगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, ठीक। प्रावधान यही है, प्रोविजन यही है। तो आपको, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 6, जो 6 शेड्यूल हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर होनी चाहिए, ताकि मेंस में आए तो लिख पाओ थोड़ा बहुत, ठीक। हूलक गिबन ओनली लेसर ऐप के कैटेगरी में आएगा, भारत में पाए जाने वाला अकेला ऐप कैटेगरी का ये ऐप है, ये पीई ऐप है, याद रखना। सियामंग के बाद दूसरे सबसे बड़े गिबन है ये। पहले कहा गया था कि भारत, उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट में दो प्रजातियों का घर है ये हूलक गिबन की। पहले कहते थे कि यहाँ पर ईस्टर्न हूलक गिबन भी पाया जाता है और वेस्टर्न हूलक गिबन की स्पीसीज पाई जाती है, लेकिन अब के अध्ययन में कहा गया कि भारत में सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न हूलक गिबन पाया जाता है, ईस्टर्न हूलक गिबन नहीं पाया जाता, ठीक। बाकी जो यहाँ पे कमेंट लिखा है मैं बता चुका हूँ, आप इसको पढ़ते रहना, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, भारत में क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर हूलक गिबन का कंजर्वेशन किया जाता है? तो आप बोलेंगे हाँ, हूलंगपुर गिबन सेंचुरी। ये नाम बड़ा गंदा सा है, इसको याद रखना, होलंगपुर गिबन सेंचुरी। ये अभ्यारण्य है जो गिबन, हूलक गिबन का संरक्षण कंजर्वेशन करता है। अर्लियर पहले इसे कहा जाता था गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और होलंगपुर रिजर्व फॉरेस्ट। असम में अवस्थित है, असम में स्थित है, असम में स्थित है, ध्यान रखना, असम में स्थित है। अभी रिसेंटली सीएपीएफ के पेपर में पूछा गया कि आसन में ये क्वेश्चन आएगा आगे जाके, आज नहीं नहीं कल के क्वेश्चन, कल के स्टेटमेंट में, कल के किसी ना किसी जगह पे पहुंच जाएगा। वहां पे ध्यान देना, जब मैं बोल रहा हूँ हूलंगपुर गिबन सेंचुरी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि अकेली ऐसी सेंचुरी अभ्यारण्य है जो कि हूलक गिबन के संरक्षण में काम करती है, हूलक गिबन के संरक्षण में काम करती है। यह कहाँ पे स्टेब्लिश है? असम में, ठीक है, भूलना मत, इंपॉर्टेंट लिखा है।
इट इज अ प्रोटेक्टेड रीजन फेमस फॉर बीइंग होम टू द कंट्रीज ओनली एप स्पीसीज. क्या नाम है? हूलक गिबन. अब वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत में पाई जाने वाली ओनली एप स्पीसीज कौन सी है, तो आप बोलेंगे हूलक गिबन. ठीक, आगे चलते. एशियाई शेर, एशियाई शेर के बारे में देखें क्या है. एशियाई शेर के बारे में क्या याद रखना है, तो ये जो एशियाटिक लायन है इसके बारे में आपको याद रखना है कि एशियाई शेर उन 5 पेंथराइन बिल्लियों, पेंथराइन कैट्स में से एक है जो भारत के मूल निवासी से हैं, मतलब एंडेंजर, सॉरी एंडेंजर बोला हूँ, एंडेमिक स्पीसीज है. एंडेमिक का मतलब होता है कि इस ही जगह पर पाए जाते हैं, अन्य जगहों पर नहीं पाए जाएंगे. ठीक, तो ये मूल निवासी हैं. अन्य 4 भारतीय में स्नो लेपर्ड, बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड और भारतीय तेंदुए. आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि भारत में कहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है. ठीक है, ये मुझे आप बताना तो मुझे अच्छा लगेगा. भारत में कहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है? ठीक, सर्च करना गूगल पे, ढूंढना और कमेंट करना जब ढूंढ पाओ. तो एशियाई शेर ये भारत में पाए जाने वाली 5 पैंथेराइन कैट्स में से एक प्रजाति है. एक नर एशियाई शेर जो मेल होता है, इसकी जो क्षेत्र एरिया होता है वो 144 से 230 किलोमीटर के आसपास का एरिया होता है. भारत में जो एशियाटिक शेर है ये सिर्फ और सिर्फ गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाए जाते हैं, अन्य किसी स्थान पर ये नहीं पाए जाते हैं. अकेला विश्व का एक स्थान है जहाँ पे एशियाटिक शेर पाए जाते हैं, वो है गुजरात का गिर नेशनल पार्क, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 में इसका स्थान है. IUCN में ये एंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है. अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी जहां पर मैंने IUCN के द्वारा लाल सूची, जो रेड लिस्ट निकाली जाती है, उस रेड लिस्ट के अंतर्गत 9 तरह की कैटेगरीज की बात की जाती है. उन 9 तरह की कैटेगरीज में जो कैटेगरी सबसे पहली होती है, हम लोग एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त प्राय प्रजातियां, एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी, विलुप्त हो चुकी हैं. तो ऐसी प्रजाति जो 50 सालों तक आपको ना दिखाई दें, उन्हें कहा जाता है विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. ठीक है, उसके बाद आता है एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड, जो कि वन्य जीव में विलुप्त हो चुकी हैं ऐसी प्रजातियां. फिर आती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियां. फिर आती है एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त. फिर आती है वल्नरेबल, मतलब सुभेद्य प्रजातियां. तो अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो कोई ना कोई लेक्चर अगर मेरा पढ़ा होगा तो देख लो, नहीं पढ़ा है तो मैं किसी ना किसी दिन कवर कर दूंगा कि IUCN के द्वारा, ये जो कंजर्व करता है नेचर को, इस संस्था के द्वारा, IUCN जैसी संस्था का संबंध ये यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ की, ध्यान रखना इस चीज को, क्वेश्चन आता है, IUCN संयुक्त राष्ट्र संघ की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत नहीं आता, जबकि UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम, 1972 में इसका गठन हुआ, यह है यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल प्रोग्राम के अंतर्गत आता है. IUCN का संबंध यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत नहीं है. ठीक, गंदा क्वेश्चन है, बच्चे गलत मार्ग के आते हैं. तो ध्यान रखना, IUCN के द्वारा रेड लिस्ट निकाली जाती है. इस रेड लिस्ट में 9 तरह की कैटेगरीज के अंतर्गत प्रजातियों को या स्पीसीज को रखा जाता है, जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अत्यधिक संकटग्रस्त, वह प्रजातियां जिनकी पॉपुलेशन 10 वर्षों में 90% से अधिक गिर चुकी है, जिनके इंडिविजुअल वयस्क जो एडल्ट हैं वो 50 की संख्या में है, ऐसी प्रजातियों को क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंतर्गत रखा जाता है. अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा पर्यावरण पे, कोई ना कोई लेक्चर मेरा जरूर पढ़ा होगा, तो उसको देखना, उससे समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, अत्यधिक संकटग्रस्त, संकटग्रस्त और सुभेद में अंतर क्या. ठीक है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है. तो इनकी कैटेगरी एशियाई शेर कहाँ पे है? एंडेंजर्ड स्पीसीज है. एशियाटिक लायन, ऑल्सो नोन एज द पर्शियन लायन और इंडियन लायन, इज अ मेंबर ऑफ द पेंथेरा लियोलियो. इसका साइंटिफिक नेम है पेंथेरा लियोलियो सब स्पीसीज, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया ओनली. ठीक है, भारत में सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है. ठीक, नेहरू जियोलॉजिकल पार्क जो कि तेलंगाना और हैदराबाद में स्थित है, इस नेहरू जूलॉजिकल पार्क के अंतर्गत, जूलॉजिकल पार्क के अंतर्गत यहाँ पे भारत के पहले ऐसे शेर, मतलब भारत में पहले ऐसे शेर हैं जिनको कोविड हो गया. ठीक है, तो ये जूलॉजिकल पार्क में क्योंकि खबर आई इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया एशियाटिक लाइन के बारे में. ठीक है, वहां पर शेर को ऐसा कहा गया कि वहां पर शेर COVID-19 से ग्रसित हो गया, इसलिए कहानी समझ में आती है. दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है हाल के एग्जाम में. पहली हो सकता है आपसे पूछ ले PCS या IAS में, जैसे पहला हो सकता है वर्ल्ड लायन डे, ये बनाया जाता है 10 अगस्त को. और दूसरा पूछ सकता है कि बताइए इंटरनेशनल टाइगर डे या ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है वैश्विक टाइगर अलग चीज है,
लॉयन अलग चीज है, इन दोनों को याद रखना। ये देखो कैसे इनके बाल दिख रहे हैं, इनमें लाइनें दिख रही हैं, लाइनें दिख रही हैं। इनके लिए एम स्ट्रिप प्रोग्राम चलाया गया है, एम स्ट्रिप प्रोग्राम चलाया गया, जैसा संबंध इस टाइगर से है। इनके लिए एम स्ट्रिप नहीं चलाया गया होगा, लेकिन ये भी मर रहे हैं, ये भी मर रहे हैं। इन दोनों के मरने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। भारत में जैव विविधता के कम होने के कारणों में, या विश्व स्तर पे जैव विविधता के कम होने के कारणों में सबसे बड़ा कारण क्या है? तो आप बोलते हैं हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। हैबिटाट का मतलब पर्यावास, जो उनका जहां पर वो निवास करते हैं उसका डिस्ट्रक्शन, उसको उसको खत्म कर देना, ये सबसे बड़ा कारण होता है, मूल कारण है किसी भी जानवर के खत्म होने के, या किसी भी देश में जैव विविधता के खत्म होने के सबसे बड़े कारणों में क्या बोलते हो आप लोग? बोलते हो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन इज द मेन कॉज, सबसे बड़ा कारण। ठीक, समझना, इसको भूलना मत। ठीक, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन मैंने हमेशा आपको पढ़ाया हुआ है, तो क्योंकि कुछ बच्चे नए जुड़े होंगे इसलिए मैं फिर से बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैबिटाट एंड निशे, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैबिटाट एंड निशे, निशे NICHE निशे, इनमें अंतर क्या होता है? तो आपको हमेशा याद रखना है ये वह जगह है जो आपका एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं A60 चंदर नगर गाजियाबाद में रहता हूँ, इसका मतलब ये मेरा हैबिटाट है, वो एड्रेस है। लेकिन इसके अंदर पाए जाने वाले लोगों की जो यूनिक फंक्शनल रोल है, जो उनका अद्वितीय कार्यशैली रोल है अदा कर रहे हैं, वो उनका निशे कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस क्या है हैबिटाट और निशे में, तो आपको ये बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए कि किसी भी स्पीसीज का यूनिक फंक्शनल रोल उस इकोसिस्टम के अंतर्गत जहां वो निवास करता है वह उसका निशे कहलाता है, लेकिन जिस स्थान पर वो रहता है वह उसका हैबिटाट कहलाता है। ठीक, भूलना मत इस चीज को। ठीक है, भूलना मत। जैसे फॉर एग्जाम्पल शेर है, इसका निशे क्या है? इसका निशे क्या है? इसका काम, इसका यूनिक फंक्शनल रोल क्या है? तो आप बोलोगे इसका यूनिक फंक्शनल रोल है मेंटेन करना। किसे मेंटेन कर रहा है ये? मेंटेन कर रहा है पॉपुलेशन को। किसकी पॉपुलेशन को? छोटे जानवरों की। क्यों कर रहा है? तो मैं कहूंगा इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर ये हिरन को खाना बंद कर दे, या ये छोटे जीवों को खाना बंद कर दे, तो उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वह घास को खा खा के खत्म कर देंगे, या उससे नीचे की चीजों को खा के खत्म कर देंगे, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। या फिर मैं कह दूं कि ये जो टाइगर है, इट इज ऑल्सो नोन एज की स्टोन, कुंजी प्रजाति भी कहलाती है, की स्टोन स्पीसीज, कुंजी प्रजाति, की स्टोन स्पीसीज। तो आप बोलेंगे व्हाट इज की स्टोन स्पीसीज? तो मेरे से जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता है व्हाट इज की स्टोन स्पीसीज। कुंजी प्रजाति वह प्रजातियां होती हैं जो पर्यावरण में, या जो जो संख्या में तो बहुत कम है, संख्या में बहुत कम है, लेकिन उनका होना उस पारिस्थितिकी तंत्र के सस्टेन करने के लिए, उस पारिस्थितिकी तंत्र या उस इकोसिस्टम के सस्टेन करने के लिए, स्टेबल रहने के लिए बहुत आवश्यक है। उनका होना संख्या में बहुत कम, लेकिन उनका होना बहुत जरूरी। जैसे मैं बार बार बोल रहा होता हूँ, जैसे मैं बार बार बोल रहा होता हूँ कि इस समय इस पूरे इकोसिस्टम के अंतर्गत जो मेरे और आपके बीच में पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? जैविक और अजैविक, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट के बीच का संबंध पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो मेरे और आपके बीच का जो इस वक्त का संबंध बना हुआ है, उस संबंध के अंतर्गत अगर मेरा कैमरा या फिर मेरा इंटरनेट काम करना बंद कर दे, तो मैं आपके सामने से जैसे ही गायब होऊंगा, तो कहा जाएगा कि मैं एक कुंजी प्रजाति हूँ इस वक्त, की स्टोन स्पीसीज हूँ। क्योंकि तो अगर मैं गया तो आप भाग जाओगे, आप रुकोगे नहीं, तो आपके लिए मैं की स्टोन स्पीसीज इस वक्त, यही की स्टोन स्पीसीज, यूनिक हूं मैं। ठीक, व्हाट इज मे फ्लावर 400? मे फ्लावर 400 क्या चीज है? तो याद रखना मे फ्लावर 400 ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मे फ्लावर 400 ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है, 15 मीटर लंबा है, नेविगेट करता है पूरी स्वायत्ता के साथ, सोलर पैनल के ऊपर लगा हुआ है, टकराव से बचाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, खुद को सही कर सकता है, बाकी चीजें, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मे फ्लावर 400 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब बौद्धिक क्षमता है उसमें, लेकिन कृत्रिम है, कृत्रिम बौद्धिक क्षमता, मतलब जैसे आपके अंदर बुद्धि है, तो आपकी बुद्धि कृत्रिम नहीं है, आपका अपना इनबिल्ड है आपके अंदर, आप अपने हिसाब से चीजों को सोच के करते हो, थिंक करते हो, उसका कृत्रिम है, उसमें वो चीजें डाली गई हैं कि देखो अगर साहब बोलेंगे कि स्विच ऑफ द लाइट और स्विच ऑन द लाइट, तो वो उस कमांड को सुनकर रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोग्राम फिट किया गया कि जैसे ही कोई तुमसे बोलेगा कि एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट, तो एलेक्सा क्या करेगी? ठीक है, ओके। ठीक है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। तो मे फ्लावर 400 ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है, याद रखना, भूल रहा हूँ। ठीक, पार्कर सोलर प्रोब क्या चीज है? तो पार्कर सोलर प्रोब, ये जो सोलर प्रोब है, ये 2018 में लॉन्च किया गया था सूरज के बाहरी कोरोना के बारे में अध्ययन करने के लिए। व्हाट इज कोरोना? ये कोरोना वायरस नहीं है सूरज का, याद रखना। जब भी सोलर इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स का मतलब जब भी सूरज पूरा का पूरा ढक लिया जाएगा,
उस वक्त रिंग फेस दिखाई देता, रिंग रिंग चमकती है जो पूरा ढक नहीं पाते हैं। तो इधर से प्रकाश जो निकलता है कॉर्नर से एकदम सर्किल के रूप में, वो आपको एक तरीके से चमकती हुई रिंग दिखाई देगी, तो उसे कहते हैं कोरोना। जैसे जब भी आप सूर्य के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पढ़ा जाता है, फोटोस्फीयर पढ़ाते हैं आपको ना, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर का मतलब वो भाग जो चमकता है जिसको आप देख पाते हो सुबह सुबह, वो फोटोस्फीयर है। ठीक, उसके अलावा कई सारी चीजें आपको सन के अंतर्गत पढ़ाई जाती है, जैसे सन स्पॉट पढ़ाया जाता है, उसी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है आपको कोरोना। कोरोना क्या है? वो रिंग जो आपको, रिंग जो आपको दिखती है उस टाइम जब सोलर इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स होगा, सूर्य ग्रहण होगा, तो आपको वो रिंग दिखाई देगी जिसे आप कोरोना नाम से कहते हो, तो कहते हो कोरोना है ये। तो इसे सूरज के बाहरी कोरोना के बारे में अध्ययन करने के लिए पार्कर नाम का एक सोलर प्रोब भेजा गया, इसका नाम है पार्कर, पार्कर मिशन। संबंध किससे? सूर्य के बाहरी कोरोना के अध्ययन से संबंधित है। 2018 में लॉन्च किया गया, 2025 तक सूर्य के केंद्र से 6.9 मिलियन किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। बताओ कितना दूर तक पहुंचेगा? 6.9 मिलियन किलोमीटर तक, ठीक, 2025 तक पहुंचेगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या किया गया इस पार्कर सोलर मिशन के द्वारा? इस पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने वीनस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है, पृथ्वी और शुक्र। अच्छा, इसने उस दौरान जब ये सूर्य की तरफ अप्रोच कर रहा है, उस दौरान इसके द्वारा शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की गई। ठीक, तो अगर आपको बचपन से आपने पढ़ा होगा क्लास की एनसीईआरटी, तो आपको हमेशा पढ़ा जाता है, माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो मतलब सूर्य के सबसे निकट है मरकरी, उसके बाद है वीनस, शुक्र ग्रह। तो यहां से जब वो गुजर रहा होगा तो उसके द्वारा शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज कर ली गई। इसका मतलब कंफर्मेशन हो गई कि जैसे पृथ्वी पर एक आयनोस्फीयर, मतलब पृथ्वी पर जैसे एक आयन मंडल, अब मुझे सब कुछ बोलना पड़ता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो एटमॉस्फियर है उसमें पाई जाने वाली जो लेयर्स हैं, जो परतें हैं, उनमें सबसे नीचे वाली लेयर को हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं, उसके ऊपर वाली लेयर को हम लोग स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, उसके ऊपर आयनोस्फियर है मतलब मीजोस्फियर मध्य मंडल है, उसके ऊपर है आयनोस्फियर आयन मंडल, सबसे ऊपर है एग्जोस्फियर वायुमंडल। ठीक, तो पृथ्वी पर यह परतें वायुमंडल के अंतर्गत पाई जाती हैं। पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहने, ट्विन सिस्टर कहा जाता है। रीजन के लिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है पृथ्वी पर, अस्त होता है शाम के टाइम में, वही सेम घटनाएं भी शुक्र ग्रह पर भी हो रही होती हैं। सुबह के समय जब पृथ्वी पर सूर्य उदय होने वाला हो, उससे ठीक पहले आपको वीनस ग्रह आकाश में दिखाई दे जाता है, अगर प्रदूषण ना हो, अगर प्रदूषण नहीं हुआ तो दिख जाएगा। शाम के समय जब सूर्य डूबता है उस समय भी शुक्र ग्रह के दर्शन आपको यहाँ से हो जाएंगे। इसे कहते हैं ट्विन, ट्विंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है ये। तो कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पृथ्वी पर वायुमंडल के अंतर्गत परतें पाई जाती हैं, उस प्रकार से क्योंकि सिग्नल रेडियो प्राप्त हो गया है, यहाँ से एक रेडियो सिग्नल की प्राप्त हुई है शुक्र ग्रह पे, इसका मतलब यहाँ पर भी आयनोस्फीयर आयन मंडल है। ठीक, तो ध्यान रखना, मैंने आपसे बोला लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करने के लिए, लंबी दूरी के कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करने के लिए आयन मंडल आयनोस्फीयर जिम्मेदार होता है। तो मैं हमेशा आपको गाना सुनाता हूँ, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि लौट के आ गई सदा। जो दुआ आपने भेजी थी ट्रोपोस्फीयर से खड़े होके, वो आयनोस्फीयर में टकराई, और आयनोस्फीयर में टकराने के बाद वो वापस लौट आई। इसे कहते हैं लंबी दूरी का कम्युनिकेशन। तो याद रखना शुक्र ग्रह के पर भी आयनोस्फीयर है, ऐसी संभावना और साइंटिस्ट के द्वारा व्यक्त की गई, पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा ये संभावना, मतलब एक सिग्नल भेजा गया कि वहां पे भी ऐसा कुछ होगा। ठीक, तो जुड़वा बहन है, स्क्रीन प्लैनेट कहलाता है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म है, बस शुक्र में क्या नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पाई जाती। ठीक है, अगला करंट अफेयर है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम। ये क्या है? व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम? तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम ये लॉन्च की गई 2019 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल से उत्पादित बायोडीजल की खरीद के लिए लॉन्च किया गया। तो किसके लिए है? तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम 2019 में लॉन्च की गई, इसका संबंध किससे है? कुकिंग ऑयल से उत्पादित बायोडीजल की खरीद के लिए लॉन्च किया गया स्कीम का नाम है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम। तो जो कुकिंग ऑयल आप यूज करते हैं उससे बायोडीजल की प्राप्ति और उसका प्रयोग करना बायोफ्यूल के रूप में, इस पर आधारित यह स्कीम का नाम है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम। इसका मुख्य उद्देश्य इस्तेमाल किए गए खाने के तेल के एकत्रित करना और उसे बायोडीजल में बदलना। अगस्त 2019 और नवंबर 2020 के बीच, यानी योजना के पहले चरण के दौरान 11 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हुए थे। इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल से निकाले गए 7% बायोडीजल को डीजल में डोप किया जाएगा ताकि ब्लेंड कर दिया जाए, मिला दिया जाए, मिश्रित कर दिया जाए। तो याद रखना बायोडीजल
मतलब जो आपका कुकिंग ऑयल है उसे बायोडीजल में कन्वर्ट करना ताकि बायोफ्यूल की तरह उसको यूज किया जाए। इसके लिए 2019 में जो स्कीम लॉन्च हुई उसका नाम है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम। ठीक, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट का मई महीने में क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट चर्चा में रहा। क्यों रहा चर्चा में? क्योंकि अमेरिका के द्वारा अमेरिका ने क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट के लिए 550 मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी। इस परियोजना से 87,500 घरों को बिजली प्राप्त हो जाएगी। इस परियोजना को कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में 2,000 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। तो कैलिफोर्निया के रेगिस्तान डेजर्ट में इसे स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना स्थल ब्लाइथ से 13 मील पश्चिम में है, नहीं पड़ना। लेकिन हाँ, कैलिफोर्निया के अंतर्गत 3 मेन डेजर्ट है, जिसके अंतर्गत एक है कोलोराडो रेगिस्तान डेजर्ट, एक है मुगावे, इसको मुगावे कर लो, मुहावे लिखा है, मुजावे, सॉरी मुजावे कर लो, मुजावे, मुहावे नहीं, मुजावे, मुजावे डेजर्ट, और एक है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ठीक है, तो याद रखना कि नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत ग्रेट बेसिन डेजर्ट एकमात्र ठंडा कोल्ड डेजर्ट है। क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कि इनमें से कौन हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट है, तो आपको याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत अकेला ठंडा डेजर्ट है जिसका नाम है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ठीक है, भूलना नहीं, आगे चल रहे हैं। ये क्रिम्सन सोलर प्लेट का संबंध किसके साथ है? तो आप बोलेंगे यूएसए के साथ। ठीक, अब ये डायग्राम है, इसको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, इसमें आप ढूंढते रहना। जैसे मोजावे डेजर्ट ये दिख रहा है आपको, मोजावे डेजर्ट है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सोनोरन डेजर्ट है। ठीक है, यूएसए में ये आपको देख रहा है सोनोरन डेजर्ट है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा ग्रेट बेसिन डेजर्ट। तो ये पढ़ लेना, इसमें भेज दूंगा, तो इसको देखते रहना। जैसे यहाँ पे आपको डेथ वैली दिख जाएगी, डेथ वैली देखो, डेथ वैली नेशनल पार्क दिख रहा है आपको, तो डेथ वैली मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट भी किया हुआ, ये देखो डेथ वैली, डेथ वैली, डेथ वैली। ठीक, मोजावे डेजर्ट है दिख रहा है, मोजावे, ये मोजावे डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क, ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट है ये। तो इन सब 3-4 लोकेशन को जरूर देख लेना, कई बार नॉर्थ टू साउथ में लगाने को पूछ लेता है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ में लगाने को पूछ लेता है, तो इनको नॉर्थ टू साउथ में जरूर देख लेना, ताकि अगर ये पूछने को आए तो आप लगा पाओ। ठीक, भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कहाँ पे, हार्नेसिंग प्लांट ये कहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा लगाया गया? तो आप बोलेंगे ये भारतीय सेना का पहला ग्रीन हार्नेसिंग प्लांट सिक्किम में इसको शुरू किया गया। आईआईटी बॉम्बे की मदद ली गई, आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से भारतीय सेना के द्वारा सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया गया। तो इम्पोर्टेंट है सिक्किम में, जैसे ही आपके दिमाग में सिक्किम आता है तो आपके दिमाग में 35वां और 36वां संविधान संशोधन चलते रहना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और, ये जो ग्रीन सोलर हार्नेसिंग पावर प्लांट, हार्नेसिंग प्लांट है, सोलर प्लांट है, इसके अंतर्गत वेनेडियम, वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीकी का उपयोग किया गया। तो वेनेडियम बेस्ड बैटरी तकनीकी का उपयोग किया गया है। भारत में वेनेडियम की खोज अभी हाल में ही जनवरी 2021 में अरुणाचल प्रदेश में हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वेनेडियम जो बैटरी निर्माण के लिए या यूरेनियम या फिर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए इसका यूज किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं कई बार, तो बैटरी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये वेनेडियम भारत में जनवरी 2021 में अरुणाचल प्रदेश में से खोज हुई, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये भारत में वेनेडियम की पहली खोज थी, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा, भारत विश्व में वैश्विक वेनेडियम उत्पादन का 4% उपभोग करता है। और पांचवा, यह 60 विभिन्न खनिजों और अयस्कों में पाया जाता है, जैसे कि कार्नोटाइट, वनाडेट, रोस्कोलाइट, पेट्रोनाइट, इन सब के अंतर भी वेनेडियम पाया जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम, सोलर प्रोजेक्ट का नाम है सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट, जो खोला गया भारतीय सेना के द्वारा सिक्किम में, इसमें वेनेडियम का प्रयोग किया गया, वेनेडियम बेस्ड बैटरी का प्रयोग किया गया, इस तकनीक का प्रयोग किया गया है। भारत में वेनेडियम को पहली बार अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया था 2021 जनवरी में। ठीक है, याद रखना, जब कमेंट ज्यादा घुमा के देगा तो वो सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि कहाँ पर हार्नेसिंग प्लांट खोला गया भारतीय सेना के द्वारा, बल्कि वेनेडियम पे फोकस ज्यादा करेगा। ठीक है, कठिन पूछेगा। तो पुटोला नाच क्या है? एक तरीके से ये नाच एक्सटिंक्ट, इसको विलुप्त तो मान लो, क्योंकि इसको लोग ज्यादा देखते नहीं है, बहुत सालों से ऐसे बंद पड़ा हुआ था। लेकिन इस पुटोला नाच, जो कि पारंपरिक कठपुतली कला है, स्ट्रिंग पपेट्री आर्ट है, असम राज्य में प्रचलित है। यहाँ पर असम आधारित ट्रस्ट जिसका नाम है ARMT, इनके द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार पर व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए इस कठपुतली कला का उपयोग करके 3 लघु वीडियो बनाए गए हैं। यह परियोजना यूनिसेफ असम के सहयोग से क्रियान्वित की गई थी। तो पुटोला नाच का संबंध, जिसके अंतर्गत कठपुतलियों को मास्क पहना दिया गया,
अवेयरनेस फैलाने के लिए COVID-19 की, उसको पूरी तरीके से छोटे छोटे वीडियो बनाकर शो किया गया। ये देखो आपको पीछे दिख रहे हैं, ये देखो कठपुतली ये मास्क लगाए हुए, ये देखो मास्क लगाए, पति पत्नी मास्क लगाए हुए हैं, तो ये दिखाने का प्रयास किया गया। तो इस पुटोला नाच का संबंध किस राज्य से है, तो असम राज्य से है। ठीक, कई बार ऐसे नाच जो जैसे पपेट्री आर्ट को यूपीएससी खासकर थोड़ी बहुत तवज्जो देने लगता है, तो क्योंकि पुटोला नाच ने कोविड से संबंधित कुछ किया है तो इसके आने की संभावना बहुत बनेगी। पुटोला नाच का संबंध किस राज्य से, तो असम राज्य से। ठीक है, याद रखना। यूरेनियम 214 के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, तो याद रखो यूरेनियम 214 सर लाइव में डिफरेंस बहुत है, वहाँ पे पीडीएफ वहाँ पर सेंड किया जाता है सर, पीडीएफ मैं सर को सेंड कर दूंगा, सर आपको सेंड कर देंगे। यूरेनियम 214 क्या है, तो ये तो सबको पता है कि यूरेनियम का जो आइसोटोप 235 है सबसे अधिक न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है आइसोटोप के रूप में। तो यूरेनियम 214 ये नया आइसोटोप खोजा गया, वैज्ञानिकों ने हाल में ही यूरेनियम का सबसे हल्का रूप बनाया है, इसे मतलब बनाया खोजा नहीं, बनाया है, इसे बोलाता है यूरेनियम 214। 214 इससे इस खोज से एक अल्फा कण के बारे में अधिक जानकारी का पता चलता है। अल्फा पार्टिकल्स वे पार्टिकल होते हैं जो रेडियोधर्मी तत्वों से अलग हो जाते हैं जैसे उनका डीके होता है। कुछ टेक्निकल बातें लिखी हुई हैं लेकिन इसमें फोकस ना किया जाए, पर हाँ ये जरूर फोकस किया जाए कि यूरेनियम 214 ये सबसे हल्का रूप है यूरेनियम का। ठीक, सबसे अधिक यूज होने वाला आइसोटोप यूरेनियम का है 235, जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। आपका होमवर्क है, खुद से पढ़िए, व्हाट इज एनरिच्ड यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम क्या कहलाता है, किसे कहते हैं संवर्धित यूरेनियम और ऐसा क्यों कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टाइग्रे संकट हाल में मई 2021 में चर्चा में रहा, क्या पूछेगा यहाँ पे, तो टाइग्रे संकट का संबंध किस देश से है ये पूछ सकता है, नहीं तो पूछ लेगा बताओ टीपीएलएफ जिसका नाम है टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, ये हाल में ही चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश के साथ है ये पूछ सकता है। तो याद रखना टीपीएलएफ टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, इथियोपिया सरकार के द्वारा हाल ही में टीपीएलएफ और ओएलएफ सेने को अपनी आतंकवादियों सूची में, मतलब जो उनकी आतंकवादी सूची है टेररिस्ट लिस्ट है उसमें शामिल कर दिया गया। तो 2020 में इथियोपिया ने टाइग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट के खिलाफ एक बहुत बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत करी है, इसका मतलब इथियोपिया से संबंधित है ये टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। ठीक, अब क्योंकि इथियोपिया आपको दिख गया तो जैसे ही मैंने कई बार आपसे बोला जब भी आपके दिमाग में इथियोपिया दिखाई दे तो आपके सामने एक नाम जरूर चमकना चाहिए, इसका नाम है जलालुद्दीन याकूत, जलालुद्दीन याकूत, ये नाम हमेशा चमकते रहना चाहिए। उसका कारण क्या है, जलालुद्दीन याकूत का नाम इसलिए चमकते रहना चाहिए क्योंकि रजिया फंसी गुंडों में, तो रजिया जब गुंडों में फंसी थी उससे पहले वह है जलालुद्दीन याकूत के साथ थी, लेकिन जब अल्तुनिया के सामने पहुंची तो अल्तुनिया के द्वारा जलालुद्दीन याकूत को मरवा दिया गया, रजिया को कैद कर लिया गया। क्यों रजिया को कैद किया गया, क्योंकि अल्तुनिया जो कि भटिंडा का गवर्नर था उसके द्वारा रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली सल्तनत की अकेली पहली और आखिरी महिला सुल्तान थी, उसके द्वारा अमीर ए आखुर के पद पर एक ऐसा पद जो कि अस्तबल का अध्यक्ष कहलाएगा, अस्तबल का अधिकारी जो होता था सबसे बड़ा उसे कहते थे अमीर ए आखुर, आखुर अस्तबल का अधिकारी, इसको इस पद पर इथियोपिया की एक व्यक्ति जिसका नाम है या एपसीनिया, एपसीनिया या इथियोपिया बात एक ही है, एपसीनियन व्यक्ति इसका नाम है याकूत, जलालुद्दीन याकूत, उसको उस पद पर बैठा दिया गया, जिस कारण से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई संस्थान तुर्कान ए चहलगानी, 40 लोगों का दल, 40 लोगों का टोटल ग्रुप है जिसे तुर्कान ए तुर्क ए चहलगानी या तुर्कान ए चहलगानी कहा गया, तुर्क के लोग थे उनके द्वारा रजिया के जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर के पद पर बैठाने पर विरोध प्रकट करा उन लोगों ने। लेकिन रजिया अकेली महिला सुल्तान है, बलवती है, बहुत दमदार है, जब उसकी डेथ हुई तो मिन्हाज उस सिराज ने बोला कि शी हैज ऑल द कैपेबिलिटीज, उसके पास हर तरह की क्षमता थी, हर ओनली फॉल्ट वॉज हर बींग अ वूमन, उसकी अकेली अकेली ऐसी गलत जो अकेली गलती थी वह एक महिला थी, वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, वरना उसके पास हर तरह की क्षमता थी। तो ये इथियोपिया जब भी बोलता हूँ तो हमेशा आपके दिमाग में याकूत नाम की व्यक्ति का चेहरा चलना चाहिए, चेहरा मतलब नाम तो कम से कम चलना चाहिए। ये जो देश हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, अफ्रीका का हॉर्न सींग कहा जाता है, ध्यान रखना ये हॉर्न शेप दिख रहा होगा आपको इसलिए कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 देश आते हैं, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और डिजिबोती। ठीक है, सीड, ये शॉर्ट ट्रिक है, सीड याद रखो, सीड SEED,
सीड, ठीक है, सीड याद रखो, याद रखना, यहाँ पे सोमालिया की जगह सुडान हो जाएगा और आप फैलते फिरोगे यहाँ से वहां। जब सीड याद करते हैं तो कई बार सोमालिया की जगह पे वहां एग्जाम में सुडान याद आता है, साउथ सुडान, नॉर्थ सुडान, सुडान याद आएगा। तो याद रखो सोमालिया है, इथियोपिया है, इरित्रिया है और दीजुबती है, इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका देश का हॉर्न कहा जाता है। यही चार कंट्री हैं, इसके अलावा कुछ और मत मार के आना। टाइग्रे संकट का संबंध इथियोपिया से है, टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट का संबंध भी इथियोपिया से है। और इस विशेष 301 रिपोर्ट चर्चा में रही मई 2021 में, इसका संबंध किससे है? संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, हिंदी में पढ़ना है इसको, संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि के द्वारा हाल ही में विशेष रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट 301 जारी कर दी गई, जिसके अंतर्गत भारत को 8 अन्य देशों के साथ प्रियोरिटी वॉच लिस्ट में रख दिया गया है। प्रियोरिटी वॉच लिस्ट या फिर विशेष रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट 301 का संबंध किसके साथ है? तो आप बोलेंगे प्रियोरिटी वॉच लिस्ट के साथ है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जारी करी जाती है। इस वॉच लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो देश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होते, जैसे भारत बौद्धिक संपदा को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। तो ये जो संयुक्त, ये रिपोर्ट है संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है, विशेष रिपोर्ट 301 है, यह व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के तहत प्रकाशित की जाती है, इसलिए इसे कहते हैं स्पेशल 301 रिपोर्ट। ये 1989 से प्रकाशित की जा रही है। यह रिपोर्ट मूल रूप से उन देशों को सूचीबद्ध करती है जो अमेरिकी कंपनियों को पर्याप्त बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान नहीं करते, जो अमेरिकी कंपनियों को सही तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। मैंने आपसे बोला भारत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर बहुत गंभीर नहीं है, इसलिए इसके अंतर्गत अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अपनी रिपोर्ट में इंडिया को प्रियोरिटी वॉच लिस्ट में रख दिया गया। ये गंभीर नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है? बौद्धिक संपदा अधिकार का मतलब ऐसी संपदाएं जो आपकी बुद्धि से जनित हुई है, आपकी बुद्धि का यूज करके बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई इन्वेंशन कर दिया, वो आपकी आपकी बुद्धि से इन्वेंट किया आपने। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई डिजाइन क्रिएट कर दी, सिंबल बना दिया कोई, जैसे रुपया है, रुपए का सिंबल आर है। अब इस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रयोग भारत कर सकता है, क्योंकि भारत के एक IITN के द्वारा सिंबल का निर्माण किया गया, तो उसकी डिजाइन, उसने सिंबल का निर्माण किया है, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आएगा। नेम हो गया, इमेज हो गई, यूज्ड इन कॉमर्स में जो जो कॉमर्स के अंतर्गत जो इमेज या नेम भी प्रयोग किए जाते हैं, वो सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार, आपकी बौद्धि, आपकी बुद्धि की संपदा, आपकी बुद्धि से जनित अगर कोई भी चीज है, वो चाहे इन्वेंशन हो, चाहे साहित्य या फिर कला से संबंधित कोई कार्य हो, चाहे वो कोई डिजाइन हो, सिंबल हो, चाहे वो कोई नेम और इमेज हो जिसे आप कमर्शियल प्रोडक्ट में यूज कर रहे हो, वो सारी की सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स एक्वायर्ड बाय एन ओनर ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। ऐसी चीजें जो इनटेंजिबल है, टेंजिबल इनटेंजिबल है, वो क्रिएशन जो आपकी बुद्धि से जनित है, आपने कोई इन्वेंशन करा, वो इंटेंजिबल क्रिएशन है, वो सारी की सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आएंगी। इन सिंपल टर्म्स इट रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ द माइंड सच एज, क्या इन्वेंशन, लिटरेरी, में आपको बता चुका है तो समझ में आ गया होगा। आप कई बार पूछा था, बताओ कौन कौन से कानून है और नियम है जो गवर्न करते हैं, जो प्रशासित करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, बौद्धिक संपदा अधिकारों को। तो ध्यान रखना दी इंपॉर्टेंस, जो महत्वता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकारों की। सबसे पहले पेरिस कन्वेंशन के द्वारा से रिकॉग्नाइज किया गया, जिसके अंतर्गत पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए 1883 में पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत ये एक प्रोटेक्शन लेकर आया गया, जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों पर पहली बार चर्चा की गई। दूसरा बर्ने कन्वेंशन, याद रखना आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन से है, ये अभिसमय या कन्वेंशन है, इनका संबंध बौद्धिक संपदा अधिकारों से है। तो आप बोलेंगे एक कन्वेंशन का नाम है पेरिस कन्वेंशन, दूसरे कन्वेंशन का नाम है बर्ने कन्वेंशन, ठीक है, पेरिस का अभिसमय और बर्ने अभिसमय, ठीक, इन दोनों का संबंध बौद्धिक संपदा अधिकारों से है। बोथ आर एडमिनिस्टर्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पेरिस कन्वेंशन और बर्ने कन्वेंशन है, इन दोनों को ही प्रशासित करता है उस संस्था का नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, वीपो, वीपो संस्था के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन संस्था के द्वारा ही पेरिस कन्वेंशन, पेरिस अभिसमय और बर्ने अभिसमय को प्रशासित किया, एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, प्रशासित किया जाता है, ठीक। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि बताओ इनमें से वह कौन सी संस्था है
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित प्रशासन करती है, तो आप बोलेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। वीपो कब बनी ये पढ़ते रहना, खुद से ढूंढना, वीपो संस्था को लिखना, पढ़ना कब बनी, क्या काम है, क्या करती है। तो काम क्या मैं आपको बता चुका हूँ। आईपीआर हैव बीन आउटलाइंड इन आर्टिकल 27 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट का हुआ, उसके अंतर्गत भी आईपीआर को आउटलाइन किया गया है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंतर्गत है, तो वहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी रखा गया, याद रखना, भूलना मत। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है, इसके द्वारा भी बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर, बौद्धिक संपदा अधिकारों को किस प्रकार से प्रशासित गवर्न करना है, इसके लिए एक एग्रीमेंट, इसका नाम है ट्रिप्स, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल भाग दो कहीं, हिंदी क्या चल रहा, खतरनाक चल रहा। तो WTO के द्वारा जो गवर्न किया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, बौद्धिक संपदा अधिकारों को, वो गवर्न किया जाता है जिस एग्रीमेंट के द्वारा, उस एग्रीमेंट का नाम है ट्रिप्स। ट्रिप्स ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ऐसे पहलू जो ट्रेड से संबंधित रिलेट करते हैं, उनके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार। ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, इनका संबंध इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से है। तो WTO के द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे काम करने के लिए, प्रशासन करने के लिए, कहीं किसी देश के द्वारा अगर किसी अन्य देश के प्रोडक्ट को चुरा लिया जा रहा है, उसके किसी कोड को चुरा लिया जा रहा है, उसके सिंबल को चुरा लिया जा रहा है, उसके इन्वेंशन को चुरा लिया जा रहा है, और अगर वो WTO के अंतर्गत, ट्रेडिंग के अंतर्गत आ रहा है, तो किसके अंतर्गत वो प्रशासन करेगा, तो उस एग्रीमेंट का नाम है ट्रिप्स एग्रीमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन दो तरीके से आता है कि WTO इनमें से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को गवर्न करने के, प्रशासन करने के लिए किस एग्रीमेंट का सहारा लेता है, तो आप बोलते हैं ट्रिप्स का सहारा लेता है। ट्रिप्स क्या है, तो आप बोलते हैं ट्रिप्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर से संबंधित जो भी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, वो ट्रिप्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, भूलना मत, थोड़ी क्लिष्ट चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है संवेदना। व्हाट इज संवेदना, करंट अफेयर। संवेदना, संवेदना क्या चीज है, देखो फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही क्लिष्ट क्लिष्ट चीजें हैं जो अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आप झेल नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। जब पहली बार बच्चा कोई पढ़ रहा होता है इन सब चीजों को, ट्रिप्स पढ़ रहा है या फिर कुछ और जो चीजें मैंने अभी पहले से, वो हुलक गिवन मैंने बता दिया, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या फिर मैं कह रहा हूँ कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, एक्सटिंक्ट है, तो आपको इन शब्दों के साथ, क्योंकि पहली बार काउंटर हो रहा है, तो आप थोड़ा सा हिलेंगे, परेशान होंगे, भागने की कोशिश में रहेंगे कि हम भाग देते हैं, हमें नहीं पढ़ना। जलालुद्दीन याकूब भी बता दे रहे हैं, इथियोपिया भी बता दे रहे हैं, सीड भी बता दे रहे हैं, उसी में सोलर इक्लिप्स बता रहे हैं, उसी में फोटोस्फीयर भी बता दे रहे हैं, उसी में ये प्रोब भी बता दिया, उसमें ट्विन सिस्टर भी बता दिया, सब कुछ बताते चले जा रहे हैं। तो अब ये क्योंकि आपका पहला साल होगा मोस्ट प्रोबेबली, आप अभ्युदय के अंतर्गत हैं, तो आपको थोड़ी उलझन होगी, तो आप भागने के प्रयास में रहेंगे कि भाग लेते हैं, और उन पढ़े इतना सारा भागेंगे तो फिर बाद में रोएंगे, और क्या सकता है। संवेदना क्या चीज है, संवेदना का अर्थ है सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। वो बच्चे जिनको कोरोना हो गया, उनके माता पिता को कोरोना हो गया, या वो फिजिकल हैंडीकैप उनको कोरोना हो गया, उनको किस प्रकार से मेंटेन किया जाए, उनके कैसे इमोशनल डेवलपमेंट को, मतलब उनको किस प्रकार से इमोशनली सस्टेन कर लिया जाए, इसके लिए जो प्रोग्राम चलाया उसका नाम है संवेदना। ठीक है, संवेदना यह एक टोल फ्री हेल्पलाइन है जिसके माध्यम से COVID-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को परामर्श प्रदान किया जाता है। टेली काउंसलिंग करेंगे, जिसके अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय बाल अधिकारी आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा टेली काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। हमारे माता पिता को कोरोना हो गया, हम क्या करें, हमारा मन कर रहा है कि हम कूद जाएं, तो ये टेली काउंसलिंग करेंगे कि नहीं नहीं कूदना है, क्या तो सबके साथ हो सकता है, तो इमोशनल डेवलपमेंट करना है कि उसको मजबूती प्रदान करनी है, इसका नाम है संवेदना। ठीक है, संवेदना टोल फ्री हेल्पलाइन का नंबर है 1800-121-2830। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जिसको हम निमहंस कहते हैं, इस निमहंस के मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता और विशेषज्ञ अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे इस संवेदना प्रोग्राम के अंतर्गत। आपका होमवर्क है, निमहंस कहाँ पर स्टेब्लिश है, कहाँ पर है निमहंस, पुणे में है, पुणे में है या किसी और स्थान, पुणे में है या फिर बेंगलोर में है या फिर दिल्ली में है या फिर हैदराबाद में है, जरूर पढ़ लीजिएगा, निमहंस आने की संभावना बनेगी। वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जरूर पढ़ लेना, भूलना नहीं। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, बड़ी गजब सी चीज है कि 18 मई को हम लोग वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाते हैं, जबकि एड्स का कोई वैक्सीन है ही नहीं, लेकिन ये हम सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाते हैं, एड्स से संबंधित जागरूकता को फैलाने के लिए, अवेयरनेस के लिए, लेकिन वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 18 मई को, 18th मई को। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं।
वैक्सीन अभी तक नहीं बनी एड्स की, लेकिन ऐसा हम सेलिब्रेट करते हैं 18 मई को। आपसे पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन सा कथन विश्व एड्स दिवस या विश्व वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के संबंध में सही है। लिख देगा एड्स कथन वन कथन दो, तो आपके दिमाग में पहले यही आएगा कि यार अगर हमको जो सिखाया जाता है कि साइंटिफिक रूप में तुक्का कैसे मारे, उसमें हमको सिखाया गया है कि देखो जो चीजें कई बार नहीं होती हैं, आप कहोगे हाँ वैक्सीन तो बना नहीं, तो वैक्सीन डे का आएगा, तो नाइदर वन नॉट टू मार के आओगे, ठीक है सोच के। लेकिन वर्ल्ड वैक्सीन डे, एड्स के वैक्सीन डे को मनाया सेलिब्रेट किया जाता है 18 मई को, ध्यान रखना वैक्सीन नहीं है इसकी, एड्स की, लेकिन तब भी हमारा सेलिब्रेशन है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे का, ठीक। हर साल 18 मई को हम लोग वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाते हैं। इस दिन को हम लोग HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस वैक्सीन अवेयरनेस डे भी कहा जाता है। इसकी थीम है इस साल की ग्लोबल सॉलिडेरिटी, वैश्विक एकजुटता। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। कई सारे एग्जाम जब गंदे क्वेश्चन रखते हैं तो ऐसे नाम रख देते हैं। एड्स क्या है? एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वैक्सीन की अवधारणा को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति, उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा 18 मई 1897 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में अपने भाषण में निहित किया गया था। इन्होंने ऐसी एजम्पशन, ऐसी अवधारणा रखी थी जिसके अंतर्गत इनका कहना था कि एड्स पर एक वैक्सीन बननी चाहिए। इस चीज को, क्योंकि 18 मई को उन्होंने ऐसा स्पीच दिया था, इसलिए हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाने लगा, ठीक, भूलना मत इस चीज को। अत्यधिक सक्रिय एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हार्ट का प्रयोग किया जाता है। ये तकनीकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछी जाती है कि एड्स के पेशेंट को दवा मेडिसिन या मेडिकल केयर देने के लिए किस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, उस तकनीकी का नाम है हार्ट, HAART, क्या फुल फॉर्म है इसका, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवियल थेरेपी। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन है, IAS बहुत पूछता है, PCS ने अब तक पूछा नहीं है, पूछ लेगा किसी दिन कि बताइए एड्स के कैंडिडेट, मतलब एड्स का जो पेशेंट होता है उस पर कौन सी तकनीकी का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग बोलेंगे हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, हार्ट, ठीक है, बोलना नहीं, वैक्सीन आज तक नहीं बना इसका। एक क्वेश्चन मेरा बेट है इस बार आने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि विश्व धरोहर स्थलों को लेकर भारत ने कई सारे स्थलों को नॉमिनेट किया है, नॉमिनेट किया है, ध्यान रखना जो स्थल नॉमिनेट किए जाते हैं वह स्थल भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेंगे, इसकी संभावना कोई 100% नहीं होती। एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत उन साइट्स के नॉमिनेशन के बाद भारत सरकार के द्वारा उन साइट्स के पहले किन्हीं साइट्स को नॉमिनेट कर दिया जाएगा, उसके बाद उनमें से कुछ चार पांच फाइनल जो साइट्स होंगे उनको फिर भेजा जाएगा यूनेस्को के पास, और यूनेस्को के पास एक एडवाइजरी काउंसिल होती है, उस एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा एडवाइस किया जाएगा मेन बॉडी को, और वह मेन बॉडी ही डिक्लेयर करेगी ये संस्थान वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आएगी कि नहीं आएगी, ठीक। तो भारत के द्वारा कई सारे स्थलों को नॉमिनेट किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, तो याद रखना मनोनयन नॉमिनेशन होना इस बात की पुख्ता गारंटी नहीं है कि वह साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी। तो ध्यान रखो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इटली और चीन के बाद स्पेन में विश्व स्तर पर विश्व धरोहर स्थलों की तीसरी सबसे ज्यादा संख्या है, सबसे अधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इटली में है, उसके बाद चीन में, उसके बाद स्पेन में है, सही स्टेटमेंट है एकदम। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि भारत में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एकदम सही स्टेटमेंट है। धौलावीरा एकदम लेटेस्ट साइट है, उससे बोले रामप्पा मंदिर था। और तीसरा स्टेटमेंट लिखा है कि गुजरात में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, स्टेटमेंट गलत है, गुजरात में 4 स्थल है, इसलिए पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है याद रखना, भूलना मत। आगे चलना, मैंने समय नहीं दिया, मैं मान के चलता हूँ कि बच्चों को आता होगा। अच्छा GIT टैग अभी मैं बचा ले रहा हूँ, बाद में पढ़ेंगे इसको। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है? तो याद रखना ये जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 29 मई को हर साल, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल 29 मई को। पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 1948 को स्थापित किया गया था, तो पहली बार संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन पीस कीपर्स मिशन जो स्टैब्लिश किया गया वो 29 मई 1948 को स्टैब्लिश किया गया, इसलिए हर साल हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखना भूलना नहीं, 29 मई 29 जुलाई घूमने लगेगा। इस शांति रक्षा मिशन मतलब 29 मई 1948 को क्या हुआ था, तो इसराइल और अरब के बीच हस्ताक्षर किए गए थे शांति समझौते को लेकर, युद्ध चल रहा था उनके बीच में, 7 डे वॉर, उस युद्ध को लेकर वहां शांति समझौता हुआ वो 29 मई 1948 को हुआ, इसलिए 29 मई को हम लोग हर साल अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि यूनाइटेड नेशंस का जो पीस कीपिंग है इट इज अ ज्वाइंट एफर्ट बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशन सपोर्ट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ याद रखना जो भी पीस कीपिंग मिशन होता है, जो भी शांति समझौता मिशन होता है,
वह ऑथराइज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, ठीक है, सुरक्षा परिषद ही उसे ऑथराइज करती है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, कौन फंडिंग करता है, मतलब यूनाइटेड नेशंस का जो पीस कीपिंग है, शांति समझौता होता है, जो सेनाएं जाती हैं, पीस कीपर्स जाते हैं, उनको फंडिंग कौन करता है, तो उनकी फंडिंग करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट। जितने भी संयुक्त राष्ट्र के मेंबर स्टेट हैं, संस्थाएं मतलब सदस्य देश हैं, उनके द्वारा सामूहिक रूप से इस पीस कीपिंग की फंडिंग की जाती है। तीसरा, अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर एवरी मेंबर स्टेट इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ पीस पीस कीपिंग। अगर भारत यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत सदस्य है तो उसके पास कुछ ना कुछ शेयर होगा जो उसे हर हाल में ऑब्लिगेटेड है कि देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, किसके लिए, पीस कीपिंग के लिए, ठीक है, पीस कीपिंग के लिए, शांति के लिए। इवन पीस कीपर्स ऑफन रिफर टू एज ब्लू बैरेट्स और ब्लू हेलमेट्स, याद रखना नीले कलर का इनका टोपी वोपी रहता है, इसलिए इन्हें ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अब तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन आने की संभावना बनेगी, तो याद रखो यूएन पीस कीपिंग से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है कि ऑथराइज कौन करता है इस यूएन की पीस कीपिंग मिशन को, तो आप बोलेंगे सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज करती है। पूछ लेगा कि बताइए ब्लू हेलमेट्स किन्हें कहा जाता है, तो आप बोलोगे पीस कीपिंग, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन होते हैं उन्हें ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए फंडिंग कहाँ से होती है, तो आप बोलेंगे जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट है वो फंडिंग करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ऑब्लिगेशन है कि वही पैसा पे करना पड़ेगा हर मेंबर को जिसका जितना शेयर है, तो वो ऑब्लिगेटेड है, ऑब्लिगेशन है, करना पड़ बाध्यता है, करना पड़ेगा, ठीक, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है, आते क्वेश्चन। लॉग बी उमर क्या है, तो लॉग बी उमर अभी हाल में यहाँ पे भगदड़ मच गई, लोग मर गए, तो ये लॉग बी उमर एक वार्षिक यहूदी त्योहार, ज्यूइश फेस्टिवल है, इसे हिब्रू के ईआर महीने में मनाया जाता है, लेकिन हाँ याद रखो ज्यूइश यहूदी त्योहार का नाम है लॉग बी उमर। अब यहूदियों का बहुत बड़ा बवाल चल रहा है इसराइल में, इसलिए मैंने इसको रखा। इंजीन्यूटी क्या है, इंजीन्यूटी के द्वारा अभी हाल में ही नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने हाल में मार्स हेलीकॉप्टर मिशन का कार्यकाल बढ़ाने की घोषणा कर दी। यह हेलीकॉप्टर जिसका नाम इंजीन्यूटी है, ये मार्स ग्रह पर जीवन के साक्ष्यों की खोज के लिए नासा के परसीवेरेंस रोवर की सहायता करेगा। यह एक सौर ऊर्जा से संचालित हेलीकॉप्टर है, सोलर सोलर बेस्ड है, सोलर पैनल के द्वारा चलेगा। मार्स 2020 मिशन के एक भाग के रूप में परसिवेरेंस रोवर के द्वारा एनजीटी हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह की सतह पर रखा गया था। इससे पहले क्यूरोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर गया था, तो याद रखो क्यूरोसिटी रोवर का संबंध किससे है, मार्स मार्स से है। परसिवेरेंस रोवर का संबंध किससे है, मार्स से है। इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर का संबंध किससे है, मार्स से है। होप ऑर्बिटर जो यूएई का है, उसका संबंध किससे है, मार्स से है। तियानवेन वन मिशन का संबंध किससे है, मार्स से है। मोम का संबंध किससे है, मार्स ऑन मिशन, मिशन ऑन मार्स, वो किससे संबंधित है, मार्स से है। तो मंगल ग्रह से संबंधित जितने भी मिशन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्यों मंगल की तरफ जा रहे हो, क्योंकि मंगल में जीवन की संभावनाएं हैं, ऐसी बात की जा रही है कि जैसे पृथ्वी पर जीवन है वैसे मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावनाएं हैं। और मैंने आपसे बोला कि मरकरी और वीनस के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन मार्स ग्रह के पास, माई वेरी एफिशिएंट मदर मार्स ग्रह के पास दो सैटेलाइट है, इनका नाम है फोबोस और डीमोस। और मैंने आपसे ये बोला होगा कि डीमोस सबसे छोटा सैटेलाइट है। लिताई नदी चर्चा में रही हाल में, क्योंकि यहाँ पे लगभग लगभग 40 टन मछली मर गई, मरी हुई पाई गई। लितानी नदी का संबंध किससे, तो याद रखो लितानी नदी लेबनन के दक्षिणी भाग के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, पहला पॉइंट, लेबनन में लितानी नदी, इंपॉर्टेंट। लितानी बांध भी है, डैम भी है, इसका 1959 में इसका निर्माण किया गया था, ये बेक्का घाटी से निकलती है, इंपॉर्टेंट ये भी कि बेक्का घाटी कहाँ पे, तो आप बोलेंगे लितानी रिवर पे। लितानी रिवर कहाँ पे, लेबनन में, लेबनन एल से एल याद कर लेना, लेबनन लितानी रिवर। बेक्का घाटी कहाँ पे है, लेबनन में है, बेक्का घाटी। लितानी नदी लेबनन की सबसे लंबी नदी है, लेबनन पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, लेबनन आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, इसराइल दिखाई दे रहा होगा, वेस्ट वेस्ट मतलब पश्चिमी तट जो जिसको हम लोग कहते हैं वो दिखाई, वेस्ट वेस्ट कोस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा आपको गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी दिखाई दे रही होगी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन से वो देश हैं मिडिल ईस्ट के जो मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर से जुड़ते हैं, सीमा बनाते हैं, तो आप बोलते हैं लेबनन बनाता है, इसराइल बनाता है, इसके अलावा सीरिया बनाता है, लेकिन यहाँ पे जॉर्डन देश है, जो जॉर्डन देश सॉरी वेस्ट पट्टी के इधर, वेस्ट बैंक के इधर जो जॉर्डन देश है वह मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर के साथ सीमा को साझा नहीं करता। अब जो मैंने बोला है उसको अगर आप मैप पे देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से दिखाई देगा, नहीं देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। ध्यान रखना है जो वेस्ट बैंक है ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में, इसलिए इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। गाजा पट्टी, गाजा है, गाजा दिख रहा है, ये वेस्ट बैंक दिख रहा है, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर सीरिया में आपको गोलन हाइट के बारे में चर्चा आपसे की जाती है, गोलन हाइट मिडिल ईस्ट का पार्ट है, इस पर बोलना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के बारे में याद रखना,
दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स अवार्ड है ये। दादा साहेब पुरस्कार जो आप रजनीकांत पढ़ रहे हैं वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। ये दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हैं, जिसके अंतर्गत सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया दीपिका पादुकोण को, अभिनेता अक्षय कुमार, सबसे अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पैरासाइट, सबसे निर्देशक अनुराग बसु का, और सबसे फिल्म मिली है तानाजी। ठीक है, याद रखना ये दादा साहेब फाल्के के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हैं। ठीक, दादा साहेब फाल्के के बारे में बेसिक चीजें अगर आपसे पूछी जाए तो आप बोलेंगे कि 1969 से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली रेसिपिएंट का नाम था देविका रानी, देविका रानी। दूसरा पॉइंट, ये दादा साहेब जी के द्वारा ही पहली फिल्म बनाई गई जिसका नाम था दादा हरिश्चंद्र। ये 1913 में बनाई गई वह फिल्म थी जो पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म कहलाती है। ठीक है, भूलना मत, राजा हरिश्चंद्र 1913। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का संबंध किसके साथ है? तो आप बोलेंगे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ये भारतीय नौसेना ने हाल में ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की शुरुआत करी। समुद्र सेतु 1 के अंतर्गत विदेशी जो भारत के लोग विदेश में फंसे थे कोविड 19 के दौरान, उनको हवाई जहाज से भारत लेकर आया गया, वो ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के अंतर्गत क्या किया गया? ऑपरेशन, यह ऑपरेशन देश की ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेगा। विभिन्न विभिन्न जो इस ऑपरेशन के अंतर्गत जो युद्धपोत हैं उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए लगाया गया कि आप यहाँ पहुंचाओगे, आप यहाँ पहुंचाओगे, ये सब करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। सौरोपॉड्स क्या है? ये वह है डायनासोर है जिनके जीवाश्म पाए गए हैं मेघालय में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं के द्वारा सौरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़े पाए गए, ये 100 मिलियन वर्ष के थे। ये डायनासोर की हड्डियां मेघालय जिले के पश्चिमी खासी पहाड़ियों में पाए गए हैं। इस क्षेत्र में सौरोपोड की खोज की पहली घटना है, मतलब मेघालय के क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पहला सौरोपोड की घटना है नॉर्थ ईस्ट रीजन में कि वहाँ पे सौरोपोड्स के जीवाश्म मिले हैं। सौरोपोड्स मेघालय ऐसा पांचवा राज्य बन गया है जहाँ सौरोपोड्स के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले गुजरात में मिले हैं, मध्य प्रदेश में मिले हैं, महाराष्ट्र में मिले हैं, तमिलनाडु में मिले हैं। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद मेघालय में राज्य बन गया है जहाँ पर सौरोपोड्स जो कि सबसे पुराने मतलब बहुत मिलियन वर्ष पुराने सौरोपोड्स डायनासोर के जीवाश्म है, वो मेघालय के बाद अन्य 4 राज्यों में मिल चुके हैं। पहली डायनासोर की हड्डी की खोज जबलपुर छावनी के बड़ा शिमला हिल में की गई थी। तो ये लंबी लंबी गर्दन वाले जो पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, लंबी गर्दन है एकदम, बड़ी बड़ी टांगे हैं, इन्हें कहा जाता है सौरोपॉड्स। सौरोपॉड्स ये डायनासोर है, इसके एक तरह का टाइप है। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। सेकेंड क्लास के अंतर्गत हम लोग इसके आगे का मई का करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, मई पार्ट 2 हम लोग करेंगे, मई महीने का भाग 2 करेंगे। काफी सारे करंट अफेयर मैंने कवर किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस से संबंधित चीजें हो सकती है वो भी कवर करी हैं। अगर इत्मीनान के साथ वीडियो को एक बार आप और देखोगे तो आपको कई सारी चीजें नई पता लगेंगी जो शायद आप छोड़ देते हो, पढ़ते नहीं हो। जैसे विशेष रिपोर्ट 301 नहीं पढ़ोगे आप, छोड़ दोगे। पुटोला नाच आप नहीं पढ़ोगे, वैनेडियम आप नहीं पढ़ोगे, आप छोड़ के चलोगे, लोग नहीं पढ़ाते हैं। तो इनको देखना आपको फायदा होगा। बाकी ये आखिरी था आज का करंट अफेयर। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मजे में रहिए। आज क्लास रात को 9 बजे नहीं होगी क्योंकि हम लोगों ने करंट अफेयर कर दिया। थैंक यू सो मच। कहाँ से ऑफ होगा?